विधानसभा में नगरीय विकास और आवासन विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान शांति धारीवाल ने सदन में माफी मांग ली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए धारीवाल को दो दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने की सजा दी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने धारीवाल से कहा कि आप दो दिन विधानसभा तो आएंगे लेकिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले शांति धारीवाल ने गाली देने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में माफी मांगी। सदन में धारीवाल की गाली के मामले में स्पीकर की व्यवस्था से पहले चर्चा भी हुई और विपक्ष के तो लगातार कह ही रहे तो इस पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे खनन माफियाओं से सरकार ने गठजोड़ कर लिया। खनन माफिया की ताकत देखिए कि एसडीएम पुलिस फोर्स मांगे और एसएचओ जाए नहीं, इससे भड़के इस सरकार के सामने क्या मैं सबूत दूं, ये बात मैं कहना चाहूँगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा राज्यपाल महोदय आए हैं आज, उनका हमने स्वागत किया है और मैं पूरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों की तरफ से भी राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ। दूसरा, मैं कल मैंने मेरी स्पीच में भी कहा, हमारी बेटी मनु भाकर जिसने इस देश को सम्मान दिलाया, पहला मेडल लेके आई, ये वही बेटी है हरियाणा की जिन बेटियों का अपमान करने में इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, आज वही बेटियां इस देश को सम्मान दिला रही हैं और प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं। जब बच्चियां धरने पे बैठी थी उनके साथ जो दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की तब मोदी जी के पास बात करने का समय नहीं था, वो ऐसा कोई क्वेश्चन था भी नहीं। और मैं समझता हूँ कोई भी क्वेश्चन लगता है वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है और उसका आंसर सभी हाँ पक्ष में भी और ना पक्ष में भी और माननीय सदस्य को भी सबको जाता है, वेबसाइट पर अपलोड है, तो कोई छुपाने वाली जैसी कोई चीज उसमें होती नहीं है। इस बात को बेवजह ही वो जिस प्रकार से कह रहे हैं वो कोई, मैं समझता हूँ ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रही है और एक प्रकार से फॉर्मेलिटी करते हैं और इधर उधर की बात करके क्वेश्चन को समय निकाल साफ करने वाली चर्चा है। हम नए सदस्यों के लिए तो बहुत ही चिंतनीय विचारणीय विषय है ये। कल सम्माननीय कोटा से आने वाले पूर्व गृह मंत्री यूडीएच मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी जो अपने ऐसे शब्दों के लिए प्रसिद्ध हैं जो अपमानजनक शब्द हैं, पहले कहा उन्होंने कि ये मर्दों का प्रदेश है और बलात्कार की घटनाओं पर जब कांग्रेस का शासन था और नित प्रतिदिन चारों ओर माताओं बहनों के साथ में जिस प्रकार का दुराचार हो रहा था उस बात पर सदन में उन्होंने कहा था कि मर्दों का प्रदेश है, ये शर्मसार करने वाली बात है। पूरे राजस्थान की जनता को उन्होंने एक प्रकार से अपमानित किया, पूरी दुनिया में छवि खराब कराई। तो इस प्रकार के बार बार शब्द कहना, जब वो 82 साल की उम्र है, अनुभव बहुत है, सीनियर नेता हैं, कांग्रेस शासन में गहलोत जी के राइट लेफ्ट हुआ करते थे, ऐसे सीनियर नेता जिनका ज्ञान भी बहुत होगा, जिनका अनुभव भी बहुत होगा, उसके पश्चात भी उनकी जीभा पर उनकी जबान पर कंट्रोल नहीं है और अब फिर उस पर माफी मांगना। आप देखें, पहले माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी ने सदन के भीतर संतों का, बाबाओं का और सनातन का अपमान किया, इसी प्रकार से पूर्व में राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज का हिंसक बताकर अपमान किया और अब वही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो निरंतर रोज इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। आप सोचें ऐसा गरिमामय सदन और सदन के भीतर ऐसे दो दो लाख तीन तीन लाख लोगों के द्वारा चुन के आने वाले लोग, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। कह रहे थे जब हम संघर्ष कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, तो उस समय सीबीआई से क्यों डर रहे थे और अब कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवा ले, तो
तो मैं पूछना चाहता हूँ कि भरतपुर जेल में मिलने कौन गया, इसका जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ डीपी जारोली पे दबाव बनाकर ब्लैक लिस्ट जो सेंटर दिए गए वो किसके दबाव में दिए गए, मैं पूछना चाहता हूँ। इसके अलावा जो निमराना में एक सेंटर दिया गया था और सेंटर दिलाने में किसका हाथ था, जरा प्रदेश अध्यक्ष जी बता दीजिए। युवा बेरोजगार पूछ रहे हैं, तब तो आप सीबीआई के नाम पर डर रहे थे और अब कह रहे सीबीआई से जांच करा दीजिए। मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में आपने सबूत मिटाने का काम किया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी का गठन करके 110 लोगों को जेल में डालने का काम किया, धीरे धीरे तथ्य मिल रहे हैं, धीरे धीरे ये जाँच आगे बढ़ेगी। मैं पुनः आप रिपीट करना चाहूंगा, 3 सवाल मैंने पूछे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जवाब दे दीजिए कि उस समय आपने क्या क्या कारनामे किए, उस समय युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, पेपर बेचा गया, सेंटरों को अपनी मिलीभगत से उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां जहां बनाया गया परीक्षा केंद्र, जो धीमराना का है, सवाईमाधोपुर का है, तो ये पूछना चाहता हूँ कि किसकी सहमति से और डीपी जारोली पे दबाव क्यों बनाया गया, क्योंकि उस समय डीपी जारोली से मेरी खुद से बात हुई थी, मेरे पास खुद का फोन आया था और उन्होंने कहा था मेरे ऊपर दबाव था। तो ऐसे में मैं उनसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ, पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें और फिर सीबीआई की मांग करें।